हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। आज का जो अपना वीडियो है वो आपके जो गिब्स फेज रूल है उससे रिलेटेड जो है आपके उसका व्युत्पन्न है वो आज के अपने इस वीडियो में करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि भी तंत्र क्या होता है, तंत्र किस तरह से होता है और जो फेज इक्विलिब्रियम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिसमें अपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले हैं वीडियो के अंदर डिस्कस किए। आज अपने यहाँ पर जो चीज़ देखने वाले हैं वो एक तो गिव फेज रूल्स है वो देखेंगे कि भी किस तरह से दिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या होता है और तंत्र के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि वो किस तरह से व्यवस्था है वो अपनी करता है, या फिर तंत्र अपनी कंडीशन है उस पर भी डिपेंड किस तरह से होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में अपन ये चीज़ बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले बात करें आपका जो सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर ये दो तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। सिस्टम क्या आपका दो तरीके से हो सकता है। पहले जो बात की गई है कि उसमें आपका जो सिस्टम है वो क्या हो, आपकी क्रियाशील हो, रिएक्टिव हो, या फिर कहें दूसरा कौन सा हो, अक्रियाशील हो, नॉन रिएक्टिव। अब यहाँ पर इन चीजों के बारे में समझना है कि आपने अभी कहा कि भाई ये दोनों सिस्टम हैं और ये सिस्टम अलग अलग तरीके से व्यवस्थित है, इनके लिए बताया गया है कि आपका जो फेज रूल है इसके लिए अगर बात करें तो दोनों सिस्टम के लिए ही क्या है भाई, ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन देंगे। दोनों के लिए क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो है एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। दोनों का फेज रूल है वो अलग अलग तरीके से क्या होगा, लागू होगा। अब अपन अभी का दोनों के लिए अलग अलग लागू होता है। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इन दोनों तंत्रों के लिए अगर अपन बात करें तो जो फेज रूल है उसका व्युत्पन्न भी क्या होगा, भिन्न भिन्न टाइप से होगा, क्योंकि अक्रियाशील तंत्रों में जो विभिन्न अवयव है, ठीक है, अक्रियाशील तंत्रों में जो आपके इसके जो अवयव जो इसमें उपस्थित है सामान्यतः क्या है, अलग अलग प्रावस्थाओं में उपस्थित होते हैं। क्या है, अलग अलग प्रावस्थाओं में आपके उसको उपस्थित होते हैं। हाँ, केवल यहां पर जो चीज ध्यान रखिए, इनका जो वितरण होता है, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ अलग है या समान देखने को मिल सकता है कि भी प्रावस्थाएं क्या होंगी, अलग अलग रूप से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, वितरण रूप से पाई जाएगी। ये किसके लिए अपन ने कहा, अक्रियाशील तंत्र के लिए। जबकि यहाँ पर अगर बात करें क्रियाशील तंत्र के लिए तो यहाँ पर एक तो आपके विभिन्न अवयव है ये भी अलग अलग होंगे, इनका वितरण भी अलग अलग होगा, और यहाँ पर इनके अंदर इनका जो वितरण किया जा रहा है उसके अंदर जो जटिलताएं उत्पन्न होती हैं उसके अंदर जो कंडीशन होगी वो भी क्या है, यहाँ पर अलग देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आपका अवयव का वितरण है वो तो अलग अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं आपका सिस्टम कैसा हो, अगर क्रियाशील होता हो तो इसके लिए ये चीजें तो है ही है, ये तो लागू होती है इनके साथ, जो सिस्टम में आपकी जो जटिलताएं आती है या कह दें जो कठिनाइयां आती है, ठीक है, खासकर यहां पर आप जटिलताओं से समझे कि यहां पर इसमें जो है जटिलताएं भी हैं वो आपके सामने आती हैं। इसकी वजह से क्या बताया गया है कि सामान्यतः इन पर जो आपका फेज रूल जो लगाया जाएगा, ठीक है, अब यहां पर
जो फेज रूल यहाँ पर लगेगा उसमें बहुत सारी जटिलताओं का भी क्या किया जाएगा, इनका भी ध्यान रखा जाएगा। एग्रीगेशन के अंदर अवयव है वो अलग अलग प्रावस्थाओं में उपस्थित है, उनका वितरण किस तरह से है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है। जबकि एग्रीगेशन के अंदर अलग अलग प्रावस्थाओं का वितरण तो है, इसके साथ इनकी में आने वाली जो जटिलताएं हैं उनको भी क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। इस कारण क्या होते हैं कि जो क्रियाशील तंत्र है उनमें जो वितरण नियम है उसका व्युत्पन्न है वो क्या है, सामान्य जटिलताओं को शामिल करते हुए रखा जाएगा। यहाँ अपन कहें कि एक सरलता के लिए अगर बात करते हैं तो क्रियाशील तंत्र के लिए अगर बात करें अपन, किसके लिए, इस नॉन रिएक्टिव कहते हैं या फिर क्रियाशील तंत्र के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको जो इसकी प्रावस्थाएं हैं या कहते हैं प्रत्येक प्रावस्था के लिए विभिन्न अवयव जो केवल एक दूसरे की क्या है, संपर्क में होते हैं, उनमें किसी तंत्र के लिए उसकी प्रावस्था पी और उसके जो घटक आपके सी हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, आपकी ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर इनकी जो स्वतंत्रता की कोटी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो क्या की जाती है, इनके लिए लिखी जाती है। सामान्यतः क्या बताया गया है, इनके लिए जो अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसके लिए, आपका जो एक्रियाशील है मैं उसके लिए लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके लिए आपका जो सूत्र दे रखा है, किसके लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो यहां पर सामान्यतः जो सूत्र दे रखा है, एक तो उसमें उन चरों की कुल संख्या जिन्हें बताना आवश्यक है, उन चरों की संख्या जिन्हें क्या है बताना आवश्यक है, ठीक है। एक तो ये जो सूत्र लिख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वो वाला कि यहां पर जो अलग अलग प्रावस्थाएं अपन उसके लिए जो चर है उसके लिए ध्यान रखना है मुख्य रूप से। दूसरा यहां पर माइनस के रूप में अगर बात करें, माइनस लिख के क्या लिखा जाएगा, उपलब्ध समीकरण की कुल संख्या, दूसरी चीज क्या लिख लेंगे, उपलब्ध समीकरण की कुल संख्या। यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको किस तरह से एक्सप्लेन की जाएगी, उन चरों की संख्या संख्या बताना आवश्यक है और दूसरी चीज यहां पर उपलब्ध समीकरण है उसकी कुल संख्या, इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की जो कोटी है वो अपन बता सकते हैं F। और यहाँ पर जो उपलब्ध समीकरण है अपन उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर किसी तंत्र के लिए अगर बात की जाए तो कुल जो संख्या है उसको बताने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जो है आवश्यकता होती है, जिसमें अपन बात करते हैं किन किन चीजों की जो आवश्यकता है अपन उसको है अपने इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। सबसे पहले जो अपन बात करें, एक तरफ लिख दें आपके जो चर है वो और दूसरी जो संख्या है, क्योंकि दो तरह की संख्या लिखनी है भाई, अब एक तो उन चरों की संख्या है उसकी व्याख्या करनी है प्लस उसमें उपस्थित समीकरण है उसकी भी संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन किसके लिए बात करते हैं, जो चर है और फिर उसकी संख्या। सबसे पहला चर है इसमें दे रखा है कि तंत्र का ताप, तो यहां पर इसके लिए जो संख्या है उसका मान एक दे रखा है। दूसरी चीज यह समझनी है कि भाई इसके लिए एक चीज दे रखी है इसकी, या तो कहते सांद्रता या फिर उसका मोल भी, या तो दिया हुआ आपका सांद्रता या फिर उसका क्या दे रखा हो, मोल में दे रखा हो, तो उसके लिए भी बात करें उसकी संख्या कितनी है, एक है, ठीक है। अब यहां पर आपको मोल बीम की संख्या आपको सॉरी इसमें मोल बीम नहीं, अपने दाब लिखा, तंत्र का दाब,
यहाँ पर किसको लिख रहे हैं, तंत्र का दाह। तीसरी चीज यहां पर है सांद्रता, या फिर कह दें मोल। ठीक है, अब यहां पर सामान्यतः इसको जो है पी सी के रूप में लिखा जाता है। जहां पर आपको समझना है कि सरलतम स्थिति के लिए अगर यहां पर बात करते हैं तो उसके लिए एक तो दे रखी है उसकी पी है वो उसकी प्रावस्था, और दूसरा जो सी दे रखा है वो सामान्यतः इसमें जो है घटक है। क्या दे रखा है कि यहां पर जो पी है वो प्रावस्था है और आपका जो सी है वो यहां पर किसको बता रहा है, घटक को। तो यहां पर ये पी व सी यानी प्रावस्था और घटक है उसका मेल बताया जाता है या उसकी वितरण बताया जाता है। तो कुल वितरण कहते कितना है पी सी है, यानी कुल सांद्रता कहते कितनी पी थी आपके पी सी। तो यहां पर बताते हैं कि भी चरों की कुल संख्या, चरों की कुल संख्या। तो यहां पर देखिए इसको समझने के लिए आप क्या लिखोगे कि भी पी सी प्लस दो, यहां पर अपन पूरा मान लेते हैं कि एक प्लस एक दो और आपके क्या मान हो गया पी सी प्लस टू। तो यहां पर इसके लिए अपन बात करें स्वतंत्रता की कोटि, तो स्वतंत्रता की कोटि जो एफ है उसको अपन यहां पर किस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर पहली चीज समझने पी सी प्लस दो माइनस, देखिए अभी अपन ने जो प्रीवियस आपके जो समीकरण लिखी थी उसमें अपन ने यही तो लिखा था कि एक तो आपके कुल चरों की संख्या जो आवश्यक रूप से बतानी है। ठीक है, दूसरी चीज अपन इसमें क्या कह सकते हैं कि उपस्थित जो समीकरण है उसकी कुल संख्या। तो यहां पर देखिए कुल संख्या अपन यहां पर किस तरह से लिखेंगे, तो यहां पर पहले तो पी प्लस सी, ठीक है, और p माइनस वन, ये चीज इस रूप में दी जाती है। ठीक है, अब अगर इसको अपन और इजी करें तो ये अपन किस तरह से लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं पी सी प्लस दो माइनस, अब देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस P, और देखिए अपन ने इसको और इजी किया तो यहां पर अपन इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख देंगे P प्लस पी सी माइनस क्या हो जाता है आपका, आपका और बच गया C। तो यहां पर बिल्कुल लिख दिया C, बस एक दूसरे को अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर देखिए चीज समझनी है पी सी प्लस टू माइनस, अब यहां पर ये चीजें लिख सकते हैं आपस में, तो माइनस लिख देंगे p माइनस पी सी प्लस सी। अब यहां पर जो चीज अपने देख रहे हैं जो घट रही है उनको घटा देंगे, जो जुड़ रही है उनको जोड़ देंगे आपस में। तो यहां पर क्या लिख देंगे f इक्वल्स टू, एक तो देखिए pc यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है तो एक दूसरे से ही कट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर देखिए p कैसा है, नेगेटिव है और यहां पर ये भी नेगेटिव है सी, सॉरी ये पॉजिटिव के रूप में। तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे f प्लस, या तो अपन बाद में कर दें इसको माइनस p प्लस सी प्लस टू। ठीक है, ये लिखें, और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं F प्लस पी इक्वल्स टू सी प्लस टू, ये मान आ गया। ये जो आपका यहां पर समीकरण प्राप्त हुआ है ये सामान्यतः समीकरण किसको बताता है, ये सामान्यतः फेज रूल को बताता है। किसके लिए गिब्स फेज रूल है इसको बताता है। सामान्य यहां पर तो ध्यान रखना है कि भाई यहां पर अपन ये क्या मान के चले हैं कि प्रत्येक प्रावस्था है उसमें क्या देखने को मिलता है, अवयव क्या है उपस्थित है, लेकिन क्या बताया गया है सदैव ऐसा नहीं है कि
प्रत्येक अवस्था के अंदर क्या अपन कह रहे हैं, अभी भी क्या है आपका उपस्थित है। तो सदैव ऐसा हो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या बताई गई है कि उस स्थिति में उपयुक्त जो आपकी जो आपकी समीकरण ली गई है जिनमें उनकी सारणी और उनके जो सूत्र काम में लिए जाते हैं उनका भी क्या होता है आपके जो प्रावस्था नियम है उसके द्वारा अपने इसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि भी यहाँ पर इनके लिए जो समीकरण जो काम में ले जाते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन है वो आपके जरूरी होता है, जिसके आधार पर अपन है जो गिब्स पेज रूल है उसका अपन ने आज की वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी आपके फेज रूल का जो है आपके व्युत्पन्न, जिसके लिए अपन ने समीकरण निकाला था F प्लस पी इक्वल्स टू सी प्लस टू, ये आपके जो प्रावस्था नियम है उसके नाम से जाना जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके गिब्स फेज रूल से रिलेटेड उसका डेरिवेशन। आई होप यू आज का अपना वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।